बस आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की रॉ यानी कि दोस्तों रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ में हमें क्या कुछ देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप। WHG आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करने जा रहे हैं, तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। कल दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलने वाली है रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक यूनिक रॉ रहेगी जिसके अंदर स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स भी दोस्तों अवेलेबल होंगे, साथ साथ दोस्तों मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स तो होंगे ही होंगे। इस बार की रॉ के अंदर दोस्तों जो सबसे पहली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइस सेथ रॉलिंस की एंट्री। सेथ रॉलिंस ने दोस्तों लास्ट वीक कसम खा ली थी कि इस बार की रॉ नहीं होने देंगे, तो ऐसे में दोस्तों कल की रॉ अंदर हमें चीज देखने को मिल सकती है कि रिंग के अंदर आकर सेथ रॉलिंस सबसे पहले ये चीज कहे कि उन्हें ओपोनेंट की जरूरत है और जब तक उन्हें ओपोनेंट नहीं मिलेगा वो रिंग को नहीं लीव करेंगे। ऐसे में हमें ये चीज भी देखने को मिल सकती है कि वहां विंस मैकमैन की एंट्री हो जाए और विंस मैकमैन ये चीज कहे कि तुम्हें तुम्हारा ओपोनेंट रेसलमेनिया में ही देखने को मिलेगा। ये चीज भी हो सकती है कि कोडी रोड्स जो कि रूमर्ड है कि उनके ओपोनेंट होने वाले रेसलमेनिया में, वो कल के कल ही अपना रिटर्न कर दे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिलेगी वो कन्फर्म तो नहीं है लेकिन 100% होके रहेगी, और यह है गाइस एजे स्टाइल्स एंड एज की ब्रॉल। तो गाइस एज ने लास्ट वीक मेन इवेंट में जो हमारे अपने एजे स्टाइल्स है उन पर धावा बोला था, चेयर के सारे दोस्तों उनकी दूसरी बार पिटाई की थी। ऐसे में दोस्तों एजे स्टाइल्स कल उन्हें आकर कॉल्ड आउट करेंगे, और साथ साथ दोस्तों इस पर अपडेट ये भी है कि ये जो मैच जो कि माना जा रहा था कि सैटरडे यानी कि नाइट वन पर देखने को मिलेगा, अब फिर से शिफ्ट होकर नाइट टू पर जा चुका है। और ऐसे में दोस्तों अब हम लोगों को पता है कि हमें इसे कब देखना है। रही बात दोस्तों इस पर्टिकुलर ब्रॉल की, तो गाइस इसके अंदर एजे स्टाइल्स अपर हैंड ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी 100% कंफर्म्ड है, और ये होने जा रहा है दोस्तों 8 वुमन टैग टीम मैच। तो यहाँ दोस्तों जो टैग टीम मैच रखा गया है वो रखा गया है कार्मिला एंड वेगा, शेना बेजलर एंड गाइज नटालिया का, जो कि फेस करने वाली है फेस सुपरस्टार्स यानी कि नायोमी साशा एंड दोस्तों रिया रिपली ली मॉर्गन की टीम को। तो 8 वुमन टैग टीम मैच होगा, और गाइज इसके अंदर मेरे हिसाब से जो फेस टीम है वो विजय प्राप्त करेगी। हालांकि एट रेसलमेनिया इन सभी का फेटल फोर वे रखा गया है। चलते हैं इसे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो रॉ के अंदर चीज होगी वो गाइज आप में से बहुत से लोग देखना भी चाहते हैं, वो गाइज ओमोस की एंट्री। तो ओमोस दोस्तों कल फिर से रिंग के अंदर जाकर ओपन चैलेंज की बात करने वाले हैं, और ऐसे में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा एक मेगा रिटर्न, बॉबी लैशली आकर उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। चीज भी हो सकती है कल के कल ओमोस को वो आकर रिंग के अंदर लगाए तगड़े वाला पावर स्लैम। बताया जा रहा है दोस्तों कि बॉबी लैशली जो है वही ओपोनेंट है ओमोस के एट दिस ईयर्स रेसलमेनिया। ऐसे में कल बॉबी लैशली का रिटर्न माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिलने वाली है वो गाइस काफी ह्यूज है, और ये होने जा रही है रे मिस्टीरियो वर्सेस द मिस। तो 1-on-1 फाइट भी दोस्तों काफी अच्छी रखी गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने, और ये दोस्तों जो मैच है ये अपने आप में काफी बड़ा है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि रेसलमेनिया में टैग टीम मैच होने वाला है दो टीम्स के मध्य, जहां मिस्टीरियो फेस करने वाले लोगन पॉल एंड द मिस की जोड़ी को। कल दोस्तों हमें जो रे मिस्टीरियो द मिस को फेस करते हुए नजर आएंगे। द मिस ने लास्ट वीक उन्होंने मास्क उतार दिया था, और इसका बदला मेरे हिसाब से रे मिस्टीरियो इस हफ्ते ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने जा रहा है वो भी दोस्तों काफी ह्यूज है, कोई छोटा मोटा मैच नहीं है, और ये होने जा रहा है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस अल्फा अकेडमी के मध्य। तो हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि सब लोग जानते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट वाले काफी गदर मचा रहे हैं इस वक्त, और अल्फा अकेडमी वाले भी ओपी है। तो ऐसे में दोस्तों इनका कल मैच रखा गया है। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है वो हाल फिलहाल में कंफर्म हुआ है, काफी ताजा कंफर्म हुआ है, और ये होने जा रहा है रोंडा राउजी एंड बियांका ब्लेयर का, जो कि फेस करेगी हमारी चैंप्स यानी कि शार्लेट फ्लेयर एंड बैकी लिंच को। भाई शार्लेट फ्लेयर एंड बैकी लिंच जो कि कभी राइवल होती थी, कल हम लोगों को साथ में देखने को मिलेगी, जो कि अपने चैलेंजर्स को फेस करेगी। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर मैच में चैलेंजर्स विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की मंडे नाइट रॉ रहेगा वो है गाइस हमारे आरके ब्रो का, जो कि फेस करने वाली है उसोस को। तो स्मैकडाउन के टैग टीम चैंप्स दोस्तों हमारे मंडे नाइट रॉ के टैग टीम चैंप्स को फेस करने वाले हैं, द बैटल ऑफ चैंप्स होगी। हालांकि दोस्तों नॉन टाइटल मैच है, बात की जाए इसके विनर की, मेरे हिसाब से इसके अंदर द उसोस विजय प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि आरके ब्रो भी जीत सकती है। मामला दोस्तों काफी इवन है। चलते हैं अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की मंडे नाइट रॉ का होने वाला है वह है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ। तो एक लंबे अरसे के बाद रोमन रेंस फिर से शिरकत करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में। मंडे नाइट रॉ दोस्तों गढ़ माना जाता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का, लेकिन ब्रॉक लेसनर भी लगभग 3 हफ्ते से मंडे नाइट रॉ से गायब है। फाइनली दोस्तों दोनों सुपरस्टार्स रॉ के लिए कंफर्म हो चुके हैं। जो मंडे नाइट रॉ है दोस्तों वो गो होम एडिशन है रेसलमेनिया का,
ऐसे में इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा धमाके देखने को मिलेंगे। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मेरे हिसाब से ये चीज देखने को मिल सकती है कि फाइनली रोमन रेंस हाथ उठा पाए लेसनर के ऊपर, क्योंकि लेसनर काफी समय से उन्हें स्क्रू किए जा रहे हैं, उन्हें भगा भगा के मारे, लेकिन हो सकता है ये कि रोमन रेंस फाइनली द ब्लड लाइन की मदद से ब्रॉक लेसनर को उनके ही गढ़ में चपत लगाए और एक चीप अटैक करे। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर जो कि जुड़ा है खबरों से। तो भाई सबसे पहले खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रायबैक एंड द गेम ट्रिपल एच की कॉन्ट्रोवर्सी से। हाल ही में दोस्तों द गेम जो है हमारे ट्रिपल एच वो रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने दोस्तों आज ये चीज भी लिखी है, दे विल कम A time when you believe everything is finished, that will be the beginning. यानी कि जो अंत है वही शुरुआत है। और मैं अपने फैंस का धन्यवाद करना चाहूंगा, नीचे वो लिखे हैं कि देखो मैं बहुत सारे लोगों का जवाब बहुत तेजी से देना चाहता था लेकिन मेरी टाइपिंग उतनी तेज नहीं है, लेकिन मैं स्टिल अपने फैंस का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा शुभकामनाएं भेजी। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने उनकी बेइज्जती कर दी। रायबैक दोस्तों ये चीज लिखे कि देखो मैंने सोचा था तुम बहुत अच्छे व्यक्ति निकलोगे, लेकिन जब मैं एक्चुअल में तुमसे मिला तो डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने बचपन से आइडल माना था तुम्हें लेकिन तुम काफी घटिया व्यक्ति निकले, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारे गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करूंगा। तो कुल मिलाकर रायबैक ने दोस्तों ट्रिपल एच की बेइज्जती की रिटायरमेंट के ऊपर, जो कि काफी बुरी चीज है। चाहे उनका दोस्तों जितना भी विवाद रहा हो ट्रिपल एच के साथ, भला रिटायरमेंट पे कौन ऐसा कहता है, तो ऐसे में फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं रायबैक के ऊपर। रायबैक दो दिन से ट्रेंड भी हो रहे हैं ट्विटर पर। रायबैक पर दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने ट्रिपल एच की बेइज्जती की है, बताया दो। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी ट्रिश से, जिन्होंने थप्पड़ लगा दिया बैकी लिंच को। तो जहां दोस्तों बात की जाए रायबैक ट्रिपल एच कंट्रोवर्सी की आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई की, बात कर लेते हैं इनसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई की। हाल ही में दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई का लाइव इवेंट हुआ था टोरंटो में, जहां दोस्तों हमारी बैकी लिंच ने टाइटल डिफेंड किया अगेंस्ट रिया रिपली। टाइटल तो डिफेंड हो गया लेकिन मैच के बाद दोस्तों ट्रिश के साथ वो बातों में फंस गई। टोरंटो दोस्तों होम माना जाता है ट्रिश का। ट्रिश ने दोस्तों रिंग के अंदर आकर उन्हें तगड़े वाला थप्पड़ लगाया, जिसके बाद रिया रिपली ने उन्हें अपना फिनिशर लगाया। कुल मिलाकर दोस्तों डिस्ट्रक्शन हुई है वहां ट्रिश एंड रिया की तरफ से, बैकी की फिर से हुई है गंदी पिटाई। हो सकता है इन फ्यूचर ट्रिश वर्सेस बैकी हो। हम चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के बारे जुड़ी है वो जुड़ी है केविन ओवंस अंडरटेकर एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। तो ओवंस वर्सेस दोस्तों माना जा रहा है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो सकता है, और गाइस उनके शो में भी आने वाला है। लेकिन हाल ही में अंडरटेकर ने चेतावनी दे दी ओवंस को। हुआ क्या कि अंडरटेकर दोस्तों एक वीडियो शूट किया डब्ल्यू वालों के लिए, और इस वीडियो में आउट ऑफ द करेक्टर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल रियल वाला अंडरटेकर देखने को मिल रहा है। मार्क ने ये चीज कही कि देखो इमोर्टल्स के शोडाउन में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन केविन ओवंस से मिलने वाले, और वहां हो सकता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हो जो कि देखने योग्य हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि केविन ओवंस एक वन स्टूपिड सन ऑफ अ बिच है, और मैं नहीं जानता उसने ऐसा क्यों किया और क्या कुछ वो कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसने टैक्सिस की बेइज्जती की है, मैं कहना चाहता हूँ कभी भी टैक्सिस की बेइज्जती मत करो, और खासकर टैक्सिस के ओन रिटल स्नेक को मत ललकारो वहाँ जो ओवन से स्टंट होने वाला है। वाइज अंडरटेकर ने भी चीज़ कह दी है और ये चीज़ ही होगी। ओवंस ने काफ़ी बड़े बंदे से पंगा ले लिया और ऑस्टिन का दोस्तों रिटर्न होने वाला है। चलते इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपरे पॉल हेमन से। पॉल हेमन दोस्तों हाल ही में कुछ ऐसी चीजें किए हैं जो कि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है। कल दोस्तों पॉल हेमन ने एक ट्वीट किया था, और इस ट्वीट में क्या चीज लिखे थे, वो चीज लिखे थे पार्डन मी। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों मैं चीज कहना चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर जो है वो रेसलमेनिया का लेजेंड है, और मैं उसको एडवोकेट रहा हूँ काफी समय से, लेकिन इस संडे वो एक्नॉलेज करेगा मेरे ट्राइबल चीफ को। यहाँ दोस्तों जो ब्रॉक लेसनर की तारीफ की है, फिर से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है, क्या पॉल हेमन फिर से धोखा दे सकते कि नहीं? तो जवाब आता है दिल से कि हाँ हो सकता है पॉल हेमन फिर से धोखा दे, और इस बारी धोखा मिले ट्राइबल चीफ को। तो ये बार बार पॉल हेमन का करना दोस्तों क्या आपको भी शक देता है, क्या पॉल हेमन के डबल स्टैंडर्ड आपको लगते हैं कि नहीं, बताया कि तू। चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है लेसनर वर्सेस रोमन से। तो दोनों के ऊपर एक बड़ा अपडेट आ रखा है। सबसे पहले बात करते हैं लेसनर की। तो आईडब्ल्यू वालों ने टीज किया है लेसनर का डबल चैंपियन बनना। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों ब्रॉक लेसनर की इमेज डाली है, जिसे उन्होंने प्रीव्यू इमेज कहकर पुकारा है रेसलमेनिया की, और ये पूछा है क्या ये प्रीव्यू हो सकता है रेसलमेनिया के अंत का, जहां दोस्तों लेसनर के कंधे पर डब्ल्यू चैंपियनशिप और वेस्ट पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप दिखाई दे रही है। फैन से पूछा गया है तो आप जो दीजिएगा इसका जवाब कि क्या ऐसा कुछ होगा, आपको क्या लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इसके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे,
और रही बात रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस ने दोस्तों मैसेज सेंड कर दिया है रॉ से पहले हमारे लेसनर को। मैसेज दोस्तों उन्होंने हाल में पेन स्टेट में दिया, जहां दोस्तों उनका लाइव इवेंट था, वहां वो चीज लिखे हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर लाइव इवेंट के बाद। वन वीक हैशटैग अकनॉलेज में हैशटैग रेसलमेनिया हैशटैग टीम रोमन, यानी कि वो ये चीज कह रहे हैं कि एक वीक बचा है कि तू मुझे अकनॉलेज कर देगा ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में। हैशटैग टीम रोमन का मतलब ये है कि वो अपने फैंस को कहीं ना कहीं एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम रोमन का ही साथ दे और टीम रोमन ही जीतेगी, रेसलमेनिया उनके नाम ही रहेगी। तो आप क्या टीम रोमन में या फिर ब्रॉक में, बताएगा जो कमेंट करके। आज की वीडियो इतनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद।